एके स्पीक के प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है उस दौर की जब बेइंसाफी होना तकरीबन नामुमकिन था। वक्त के बादशाह तक इंसाफ से डरा करते थे। काजी फैसला करते हुए किसी का हस्ब नसब या मुर्तबा नहीं देखता था। अमीर गरीब हर एक के लिए कानून एक जैसा था। ये वो वक्त था जब एक बादशाह मुकदमे के लिए अदालत में हाजिर हुआ और फैसला होने के बाद काजी को तलवार दिखाकर कहता है कि मैं ये इसलिए साथ लाया था कि अगर आप मुझे बादशाह समझकर जरा भी राय देते हैं या बेइंसाफी करते हैं तो आपकी गर्दन उड़ा दूंगा। और जवाब में काजी ने अपनी गद्दी के नीचे छुपाई हुई तलवार दिखाकर कहा, मैंने भी ये इसलिए रखी थी कि अगर आप अपने ओहदे का रोब दिखाकर मेरे फैसले में मुदाखलत करें तो आपकी गर्दन मार दूंगा। और ये सुनकर बादशाह मुतमिन हो जाता है कि अब उसका मुल्क इंसाफ पसंद हाथों में है। उसी दौर में अय्यास बिन माविया रहमतुल्ला काजी मुकर्रर हुए। वो तारीख के ज़ैन तरीन काजी थे। उन्होंने अल्लाह ताला की दी हुई जानत और समझ के जरिए बिना किसी सबूत और गवाही के भी मुकदमे की तय तक पहुँच कर दिखाया और अजीब अजीब फैसले किए। वो इतने मामला फहम और जहीन थे कि मुजरम को उसकी बात से भी पकड़ लेते थे। एक मुर्तबा दो लोगों ने एक मुकदमा उनके पास लाया। उनमें से एक ने दावा किया कि मैंने सफर पर जाने से पहले अपना माल अपने इस साथी के पास बतौर अमानत रखवाया था। अब जब मैं अपने माल का मुतालबा करता हूँ तो ये सिरे से अमानत के वजूद से ही इनकार कर रहा है और कहता है मैंने इसे कोई माल अमानत के तौर पे नहीं दिया। हजरत अय्यास बिन रहमतुल्ला ने उसके साथी से अमानत के मुतल्लक पूछा तो उसने कहा, इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक यह हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन एके स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। मैंने कोई अमानत या माल दिया ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके पास कोई दलील या गवाह है तो पेश करें, वरना मैं कसम देने के लिए तैयार हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ और यह सरासर झूठा इल्जाम है। हजरत अय्यास बिन माविया रहमतुल्ला ने उसके चेहरे से ही भांप लिया कि ये इंतहाई तेज तराज और मक्कार शख्स है जो झूठी कसम के जरिए अपने साथी का माल हड़प करना चाहता है। उन्होंने मुदई से पूछा, तुमने इसे किस जगह अपना माल बतौर अमानत दिया था? उसने कहा, यहाँ से कुछ फासले पर एक मल्ला है, वहां मैंने इसे माल दिया था कि अमानत के तौर पर रख लो। काजी अय्यास रहमतुल्ला ने फिर से पूछा, वहां कोई ऐसी निशानी या खास बात है जहां तुमने अमानत दी थी? मुदई ने कहा, जी हाँ, मल्ले के बाहर बहुत बड़ा दरख्त है, हमने उसके साय में बैठकर खाना भी खाया था और फिर मैंने माल उसके हवाले बतौर अमानत किया और रवाना हो गया। काजी अय्यास रहमतुल्ला ने कहा, तुम अभी दोबारा उस जगह जाओ, शायद तुम्हें वहां याद आ जाए कि तुमने अपना माल कहाँ रखा था या किसके हवाले किया था, और उस जगह का जायजा लेकर सीधे मेरे पास आ जाना और मुझे आकर बताना कि तुम्हें क्या याद आया। वो शख्स उस जगह की तरफ रवाना हो गया तो काजी अय्यास रहमतुल्ला ने उस शख्स से कहा, अपने साथी के वापस आने तक मेरे पास बैठे रहो। वो वहां खामोशी से बैठ गया। काजी अय्यास रहमतुल्ला ने दीगर मुकदमात निपटाने में मसरूफ हो गए, लेकिन काजी साहब दूसरे लोगों के मामला सुनते हुए चुपके चुपके उस शख्स की तरफ भी देखते जा रहे थे और इस तरह वो उसके चेहरे के तासरात मालूम करना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि ये शख्स बिल्कुल अब आराम और सुकून से बैठा हुआ है, अब इसके चेहरे पर कोई खौफ और हरास नहीं, तो काजी अय्यास रहमतुल्ला साहब समाअत के दौरान यकदम उस शख्स की तरफ मुतवज्जो हुए और पूछा, आपका क्या ख्याल है कि वो उस जगह पहुंच गया होगा जहां उसने माल आपके हवाले किया था? उसने बेख्याली में जवाब दिया, नहीं, वो जगह यहाँ से काफी दूर है, अभी वो रास्ते में जा रहा होगा। ऐ मालूम शख्स, तू माल लेने से इनकार भी करता है और तुझे उस जगह का भी मालूम है जहाँ तूने माल लिया था। बाखुदा तू खाइन और झूठा है और अमानत में ख्यानत कर रहा है। ये अचानक हमला देकर वो खौफजदा हो गया और उसने अपना जुर्म का इतराफ करके अमानत वापस कर दी। प्यारे दोस्तों, अगर कोई भी आपसे बेईमानी करना चाहता है तो अक्ल इस्तेमाल करें और उसे वहां जाकर पकड़ें जहां उसे शक तक न हो। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आरजी जिंदगी का हुसन है। शुक्रिया।